तेबे 18 नुहे 21 रे बाहागर झियमानंको विवाह वयसरे सरकार आनिचंती एक विराट बड़ परिवर्तन। नमस्कार आपण माने देखुचंती टॉकिंग पॉलिटिक्स। झियमानंको विवाह वयसरे काहेकि परिवर्तन आनिचंती सरकार एहाकु नै वर्तमान राजनीति मध्य सरगरम देखिबाकु मिलिछि। एबे झियो माने कम वयसरे आउ विवाह करि पारिबे नाही। झियो मानंकर आईनगत विवाह वयस 18 वर्षरु 21 वर्षकु वृद्धि करा जायछि। नीति आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स मातृत्वर उचित वयस, मातृ मृत्यु हार ह्रासर जरूरी एवं पोषक तत्व स्तरें उन्नति एवं सेहिभळी समस्या गुड़ी परीक्षा करि तापरे एभळी निष्पत्ति रे उपनीत होइछन्ति। सेमानक कहिबा अनुसारे एवं सेमानक सुपारिश भित्तिरे एभळी नुआ आईन प्रणयन करा जायछि एवं एभळी प्रस्तावकु आधारित करि वर्तमान सारा देश ए नियमकु पालन करबाकु जाउछि। मुख्य उद्देश्य होउछि अल्प वयसरे विवाह करथुबा झियमानक उपरे रोक लगाइबा। जो माने अल्प वयसरे पिला जन्म करती सेमानकु विभिन्न प्रकारर रोग मध्य माडी बसे, तेणु एभळी समस्याकु देशरु मूलरु उपाडी देबा पई एभळी नुआ कानून आणा जाउछि। तबे टास्क फोर्सर मुख्य होउछन्ती जया जेटली, एथिरे शिशु रोग विशेषज्ञ भिके पल को मध्य अंतर्भुक्त करा जायथिला। प्रथम शिशु जन्म करबा पई झियमानंकर सर्वनिम्न वयस 21 वर्ष हेबा उचित बोली टास्क फोर्स रे एभळी निर्दिष्ट करा जायछि। भारत रे महिलांक विवाह वयस 18 रु 21 वर्ष को वृद्धि करा जायछि, किंतु एई वृद्धि वयस को नै एबे विभिन्न जगह रे राजनीति मध्य बढ़िबा को लागिछि। एई प्रस्ताव को जेतेबेले गुरुवार दिन केन्द्र कैबिनेट रो मंजूरी मिलला सेतेबेले अनेक राजनेतांक मुह मध्य फिटिबा को लागिला। तबे एहाकु नै एबे चर्चा जो जोर धरिछि तारि उपरे मध्य आमे आजि आलोचना करबा। एई भळि नियम को राजनैतिक मोड़ दे कलना करुछन्ति किछि राजनेता। This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relationship under POSCO Act, but you are denying them right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The woman labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. Thank you, sir. से कहिछन्ति जे जेउ मानंकर पिलापिली नाहांति सेमाने एही भळी नीति नियम लागू करुछन्ति, एही भळी दरकार नथिबा आइन को प्रणयन करुछन्ति। एने से एक गणमाध्यम सह सीधा सळक आलोचना करिछन्ति। तांको कहिबा अनुसारे आइन करिबा लागि सेमानकर न्याय नबा दरकार बा सेमानकर राय नबा दरकार जेउ माने पुओ झियों को जन्म देउछन्ति, अर्थात जेउ माने ए पिला मानकु जन्म करुछन्ति सेमानक बापा मांक ठारु एभळी किछि राय नेले ही एभळी आइन को प्रणयन करिया पई सरकार प्रथमे चिंता करबा दरकार। सर सर मेरे लिए 7 साल से ज्यादा हो चुका है सदन में रहने के लिए, राज्यसभा में भी था, लोकसभा में भी। आज सर ऐसे कई विषय पर यहाँ पर बिल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से डिबेट किया गया है, डेलिब्रेशन हुए हैं, चर्चा बहुत लंबी हुई है, कभी स्टैंडिंग कमिटी कभी सिलेक्ट कमिटी जाकर बिल्स पास हुई है, पर इस तरह से हेस्टिली एक एक बिल को ऑल ऑफ ए सडन सप्लीमेंट के हिसाब से लाना, इंट्रोड्यूस करना बिना चर्चा के, मिनिस्टर उसको डिबेट बिना किए पास करवाना इज नॉट पार्लियामेंट्री सर, इट इज बियॉन्ड द डेमोक्रेसी। आप रिस्पोंड करेंगे? कारण देश अबे अनेक भिन्न भिन्न समस्या दे घेरी रहिछि, एणु एभळी निष्पत्ति युवक युवतीक उपरे बा सेमानक अभिभावकक उपरे न्यस्त रहिबा दरकार। सेमाने पुओ झियंकु जन्म दैछन्ति, तेणु सेमानकु केबे बाहा करेबे बा सेमानकु कोउ भळि पिला जन्म करा जिबा पई उचित समय हब से सबुर निष्पत्ति नियंतु बोली तांको बापा मांकु एभळी निष्पत्ति नेबार दायित्व दिया जाउ बोली आजमी कहिछन्ति। से आहुरी मध्य कहिछन्ति पिता माता जानंती सेमानक पिला पई केउटा भलो एवं केउटा खराब। सर वी आर दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली दे अग्रेसिवली ब्रिंग इन बिल्स एंड nobody from the opposition is consulted, whatever is discussed in the business advisory committee is never implemented on the floor of the house. So I first want to condemn this new practice this government is doing.
they want a bill, the bill needs to be scrutinized, all stakeholders should be consulted, and then I think we must unanimously pass any reforms if they are got to do with women. I think if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detail more discussions. किंतु आपण हे कहंतु कोण बाल्य विवाह आजिर समय रे ठीक झियो माने पाठ पढिबा एवं ता परे देशर प्रगति रे साथ दबा कोण महापाप विवाह रे विलंब हेले आर्थिक परिवार रो सामाजिक एवं स्वास्थ्य महिला शिशु एवं समाज उपरे सुप्रभाव पडिबो बोली अनुमान करूछंती सरकार तेणु करी 18 वर्ष नुहे 21 वर्ष रे विवाह करबाकू एभली नुआ आइन प्रणयन करा जाउची। अब जरा हिंदुस्तान की आजादी के 75 में सभी ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर जाइए प्लीज। इस संकल्प को प्रस्तुत करना चाहती हूं कि हमारे देश में अभी तो इंट्रोडक्शन है, अभी आप जी अभी तो इंट्रोड्यूस ही होना है ना, कुछ ज्यादा बोलना चाहते हैं जी? महिला समानता के दृष्टिकोण से, एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से, महिला की विवाह की आयु को बढ़ाने का संकल्प, इस संकल्प के साथ दैट द इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू एज ऑफ मैरिज ऑफ पार्टीज। केवल मूव करिए आप, केवल मूव कीजिए, ओनली मूव करिए। कर रही हूं, क्या मूव कर रही हूं, थोड़ा सा आपकी अनुमति से बोलना चाहती हूं। रिलेटिंग टू एज ऑफ मैरिज ऑफ पार्टीज सच एज द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 जी, पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1957। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए आपकी अनुमति से एज ऑफ मैरिज की दृष्टि से सो आई राइज टू मूव। झियो मानंकर विवाह वयस वृद्धि संक्रांत रे 2020 अगस्त 15 रे अर्थात स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी सूचना देथिले। से कहिथिले जे झियो मानंक वयसकु एवं तांकर विवाह वयसकु विशेष मात्रा रे आम सरकार गुरुत्व देबा दरकार, आ जहार फल वर्तमान समस्तक सामना रे। पुओ मानंक पई सबुठु कम विवाह वयस होची 21 वर्ष एवं झियो मानंक पई 18 वर्ष रहितला, किंतु वर्तमान पारित होइतबा ए नुवा प्रस्तावकु आइन करिबा लागि सरकार प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एवं हिंदू मैरिज एक्ट गुडीकु सीधा सडक संशोधन करिबे। ता परे जाई झियो मानंक बाहागर 18 वर्ष रे नुहे 21 वर्ष रे ही करा जिवो एवं एही नियमकु कडाकडी पालन करिया पई एक निर्दिष्ट आइन मध्य प्रणयन करा जिवो। तबे एहाकु नी देखा जाउथबा वर्तमान राजनीति परिस्थिति को आपण माने कोन कहिबे ताहा निश्चय आमर वीडियो देखि मतामत जणैबे। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है, पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। तबे आजिर वीडियो केमिति लागिला आपण मानकर मतामत निश्चय जणाइबे, तास आमो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करी सारा ओडिसा वासिंग को पाखरे पहुंचाइबे। रहली, धन्यवाद।